हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस RDBMS SQL की कमांड के बारे में, जो कि है DDL, DML, DCL, TCL। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से वन बाय वन समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेटाबेस होता क्या है। डेटा को टेबल के रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्यूटर में स्टोर करना, इसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस में डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाता है जिससे डेटा को जरूरत पड़ने पर इजीली एक्सेस किया जा सके, और जरूरत पड़ने पर डेटा में चेंजेस किए जा सकें, और जरूरत ना पड़ने पर डेटा को डिलीट किया जा सके। डेटाबेस एक फाइल है जो कंप्यूटर में स्टोर होती है। डेटाबेस फाइल के अंदर एक से अधिक टेबल हो सकती हैं, और टेबल में एक से अधिक रिकॉर्ड हो सकते हैं जो कि टेबल के रो और कॉलम में स्टोर रहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। डेटाबेस डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करता है। अगर बहुत सारा डेटा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर रहता है, तब उसे उस डेटा को इजिली एक्सेस या यूज किया जा सकता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो डेटा को कंप्यूटर में इस तरीके से स्टोर किया जाए कि डेटा जल्दी से जल्दी कंप्यूटर यूजर एक्सेस, क्रिएट, अपडेट, डिलीट कर सके जरूरत पड़ने पर। कहने का मतलब यह है कि डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है जिससे यूजर बहुत सारे डेटा में से जो यूजर को चाहिए वही डेटा जल्दी से एक्सेस हो जाता है। ये सब RDBMS सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। RDBMS सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए समझते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा डेटाबेस को कंप्यूटर में क्रिएट मैनेज किया जाता है। अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो RDBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटाबेस को बनाना, संभालना और अपडेट करना, ये सब RDBMS सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। अगर आपको कंप्यूटर में डेटाबेस बनाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसे हम RDBMS कहते हैं। RDBMS डेटाबेस के किसी रिकॉर्ड को चेंज, डिलीट, अपडेट करने की सुविधा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि RDBMS सॉफ्टवेयर यूजर को डेटा स्टोर, डेटा को अपडेट और डेटा को रिट्राइव करने की सुविधा देता है कंप्यूटर में। RDBMS का एग्जांपल है MySQL, Oracle, SQL Server एटसेट्रा। RDBMS सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बनाना और डेटा को स्टोर, अपडेट, डिलीट करना, ये सब SQL के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। RDBMS में डेटाबेस यूज करते हैं टेबल को डेटा स्टोर करने के लिए। एक टेबल के अंदर सिर्फ सिमिलर डेटा या रिलेटेड डेटा रो और कॉलम में स्टोर रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यह एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसके द्वारा RDBMS में डेटाबेस बनाना और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना, टेबल बनाने के बाद रिकॉर्ड को टेबल में स्टोर करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, जरूरत पड़ने पर रिट्राइव करना और टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये सब SQL लैंग्वेज की हेल्प से होता है। RDBMS के सभी सॉफ्टवेयर में SQL लैंग्वेज कॉमन होती है। ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है और डेटा को मैनिपुलेट भी करती है। SQL स्टैंडर्ड लैंग्वेज है RDBMS सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि MySQL, Oracle, MS Access एटसेट्रा। ये सब RDBMS सॉफ्टवेयर हैं जो कि SQL का यूज करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज के रूप में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ SQL कमांड की। DDL, DML, DCL, TCL, ये सभी SQL की कमांड्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DDL की। DDL का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। DDL में डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कुछ DDL कमांड्स का यूज होता है, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये सभी DDL कमांड हैं।
इन सभी DDL कमांड को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट कमांड, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज होता है। वहीं अल्टर कमांड डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अल्टर कमांड का यूज होता है। वहीं ड्रॉप कमांड का यूज डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज होता है। रीनेम कमांड, आप नेम से ही जान सकते हो, ऑब्जेक्ट के नेम में चेंज करने के लिए रीनेम कमांड का यूज होता है। वहीं हम बात करें ट्रंकेट कमांड की, तो टेबल के सारे रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए ट्रंकेट कमांड का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं DML कमांड की। DML का फुल फॉर्म डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसका यूज डेटाबेस में डेटा को स्टोर, रिट्राइव, मॉडिफाई, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट कराना है। ये सब DML कमांड की हेल्प से होता है, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इन सभी कमांड को अच्छे से वन बाय वन समझ लेते हैं। सिलेक्ट कमांड का यूज डेटा को टेबल से रिट्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं इंसर्ट कमांड का यूज डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अब बात करें अपडेट कमांड की, तो अपडेट कमांड का यूज टेबल के डेटा को अपडेट या चेंजेस करने के लिए किया जाता है। अब बात करें डिलीट कमांड की, तो टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं DCL कमांड की। DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस के डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ग्रांट रिवोक कमांड का यूज किया जाता है। ग्रांट कमांड का यूज डेटाबेस के यूजर को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं रिवोक कमांड का यूज, जो ग्रांट कमांड के द्वारा विशेष अधिकार यूजर को दिया गया है उसे वापस लेने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं TCL कमांड की। TCL का फुल फॉर्म ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। इसका यूज डेटाबेस में कई सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड हैं, जैसे कि कमिट कमांड, रोल बैक कमांड, सेव पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।